हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी मैसेट स्टेफन कॉलेज के पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज के जो एडमिशन है प्रोसीजर वो स्टार्ट हो गया है। इस वीडियो में दोस्तों हर एक कोर्स के बारे में जानेंगे कि सर्टिफिकेट के लिए क्या फ़ीस है, क्या एलिजिबिलिटी है, डिप्लोमा के लिए क्या है, एडवांस डिप्लोमा के लिए है। इस वीडियो में आपको पूरी कम्प्लीट डिटेल्स दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है सर स्टेफन के कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते जाना है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे कई सारे टॉप रैंक के कॉलेजेस आते हैं। उन्हीं टॉप रैंकों में से सर स्टेफन एक कॉलेज है। जैसे ही आप दोस्तों स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सेंटर का अलग से लिंक शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हो जो पैरा लिंक है सेंटर्स का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उस लिंक पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर आपको रेड वाले कलर पे क्लिक कर देना है। यहां पर दोस्तों आपको सेंट्रल फॉर लैंग्वेज CFL पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको ऐसे कई सारे कोर्सेज के बारे में बताया जाएगा। उससे पहले यहाँ पर आपको एडमिशन 2021 पे और 2022 पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप यहाँ पे CFL एडमिशन 2021-22 पे जाएंगे। एक लिंक है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर शुरू में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये उस चीज़ का स्टेशन है दोस्तों जिसमें आपको जिस लैंग्वेज का आपको कोर्स करना है। लेकिन उससे पहले सभी कोर्सेज के बारे में जान लेते हैं। आप दोस्तों जब बैक आएंगे तो यहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट का ग्रीन लाइन का आपको शो हो रहा होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको सभी कोर्सेज के बारे में जो फॉरेन लैंग्वेज है उनके बारे में सब कुछ यहाँ पर डिटेल से बताया गया है। नीचे यहाँ पर दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सर्टिफिकेट में कौन कौन से फॉरेन लैंग्वेज कराए जाते हैं। तो चलिए हर एक कोर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो सर्टिफिकेट कोर्स हैं, फ्रेंच फॉरेन लैंग्वेज, जर्मन एंड स्पेनिश, चाइनीज एंड जापानीज, अरेबिक, पर्शियन एंड उर्दू, ये फॉरेन लैंग्वेज जो कराए जाएंगे सर्टिफिकेट कोर्स में। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ और बताएगी कि आप एक ही समय पर एक कोर्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कई सारे कोर्सेज उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात की जाए तो दोस्तों आप किसी भी कोर्स के लिए, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज, उसके लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। और जिस फॉर्म के स्टार्टिंग है वो 9 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और रजिस्ट्रेशन फीस दोस्तों 500 रुपये लगेगी। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपके एक फ़ोटो और सिग्नेचर ही चाहिए। इसके अलावा अगर आपके 12th क्लास में 55% से ज़्यादा मार्क्स आए या इसके इक्विवेलेंट आए तभी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जो 55% मार्क्स है इंग्लिश में भी होने चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आपका एडमिशन कैलेंडर दिया गया, जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, 9 अगस्त से लेकर 3 सितंबर तक चलेंगे। फर्स्ट जो लिस्ट आएगी वो 8 सितंबर को आएगी, सेकंड लिस्ट 13 सितंबर को, थर्ड लिस्ट 17 सितंबर को आएगी। जब आपके फर्स्ट लिस्ट आएगी 8 सितंबर को, 8, 9, 10 इन 3 दिनों में दोस्तों आपको अपनी कोर्स की पेमेंट कर देनी है, अदरवाइज़ आपका जो एडमिशन वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो दोस्तों आप सोमवार से लेकर फ्राइडे के बीच में किसी भी टाइम यहाँ पे दोस्तों दिया गया 9:30 बजे से लेकर 4 बजे तक का किसी भी सेंटर पर जाके अपनी क्वेरी को रिजोल्व कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों कोर्स का ड्यूरेशन दिया गया है कि आपका जो कोर्स होगा वो 1 साल का होगा। जो आपकी फर्स्ट क्लासेस होंगी वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। इस पैराग्राफ में दोस्तों ये बताया गया है कि जो ये कोर्स है एक पार्ट टाइम कोर्स है और जो ऐसे स्टूडेंट जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके जो फैसिलिटीज़ दी जाती थी कॉलेज में वो आपको नहीं दी जाएगी। फैसिलिटीज़ में दोस्तों आपकी लाइब्रेरी आ गई, हॉस्टल्स आ गए, ऐसे कई सारे फैसिलिटीज़ होती हैं जो आपको नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा जो कोर्स है उसकी यहाँ पर फ़ीस दी गई है, जैसे अगर आप जापानीज़ कोर्स करते हैं चाइनीज़ उसकी फ़ीस दी गई 17,000, अरबिक और उर्दू करते हैं और पर्शियन करते हैं तो उसकी फ़ीस है 8,000। अगर आप एक इंडियन हैं और आप संस्कृत का कोर्स करना चाहते हैं तो उसकी फ़ीस है 6,000, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं उसकी फ़ीस है 15,000। ऑल अदर कोर्सेज़ की जो फ़ीस है दोस्तों 20,000 है वीकडेज़ के लिए, और जो वीकेंड के स्टूडेंट होंगे उनके लिए 22,000 फ़ीस है। दोस्तों जो आपका लॉगिन पोर्टल होगा वहीं से आपको अपने कोर्स की पेमेंट कर देनी है। जब भी दोस्तों आपको कॉलेज की तरफ से बुलाया जाएगा कि अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उसकी ओरिजिनल सीट और जो प्रिंट आउट निकालोगे एप्लीकेशन फॉर्म की, वो सभी डॉक्यूमेंट दोस्तों आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। मान लीजिए दोस्तों आप किसी एक कोर्स में से किसी दूसरे कोर्स में जाते हैं तो आपने जो पहले कोर्स की फ़ीस पेमेंट की है वो रिफ़ंड नहीं की जाएगी। सैन स्टेफन कॉलेज में दोस्तों जो कोर्स कराए जा रहे हैं फॉरेन लैंग्वेज के, अगर आप इस सैन स्टेफन कॉलेज के स्टूडेंट तो भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं।
नीचे यहाँ पर दोस्तों आपके क्लासेस का टाइम दिया गया है कि जो अगर आप स्पेनिश कोर्स में अप्लाई करते हैं जिसमें जो क्लासेस है वो मंडे वेनसडे फ्राइडे को चलेंगी सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक। अगर आपने दोस्तों वीकेंड का कोर्स चूज़ किया है तो इसमें आपकी जो सैटरडे क्लास चलेंगी वो 3 बजे से लेकर 6 बजे तक और जो संडे क्लास है वो 9 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेंगी। फ्रेंच कोर्स के लिए दोस्तों यहाँ पर डे और उसका टाइम दिया गया है कि कितने बजे से कौन सी क्लास लगेगी। ठीक इसी तरह से दोस्तों जो आपने कोर्स चूज़ किया है उसका डे और टाइम देख सकते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे चलेगी। ये वे कोर्स हो गए दोस्तों जो आपको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो उसके बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके लिए दोस्तों आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद दोस्तों जहाँ पे आपने सर्टिफिकेट के कोर्स के ऊपर क्लिक किया था ठीक उसी के नीचे यहाँ पर आपको डिप्लोमा कोर्स का अलग से सेक्शन शो होगा, उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां पर इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। डिप्लोमा कोर्स की बात करें तो दोस्तों आप फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़ एंड जापानीज, अरबिक, पर्शियन, उर्दू और संस्कृत में ऐसे ये सारे वो कोर्स हैं जिसमें आप डिप्लोमा का कोर्स कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है COVID-19 अभी ख़त्म नहीं हुआ तो आपकी जो क्लासेस ही ऑनलाइन चलेंगे। इसके अलावा जो एप्लीकेशन प्रोसेस है ये ठीक उसी तरह से सर्टिफिकेट कोर्स के लिए है कोर्स के जैसा ही है। इसमें भी आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रुपये देनी पड़ेगी। इसमें जो आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे वो फोटोग्राफ और एक सिग्नेचर लगेगा। अगर दोस्तों आप जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश में एडमिशन करना चाहते हैं तो इसके एंट्रेंस बेस पे आपका एडमिशन होगा। अगर आप चाइनीज़, जापानीज़, पर्शियन और उर्दू में एडमिशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना। ये कोर्स उन्हीं के लिए है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज से पास आउट हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर आप अरेबिक कोर्स में एडमिशन करना चाहते हो तो इसके लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू के बिहेव पे दोस्तों आपका एडमिशन होगा। यहाँ पर आपको टेंटेटिव कैलेंडर दिया गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे। 9 अगस्त से स्टार्ट होंगे, 3 सितंबर तक चलेंगे। एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 6 सितंबर को होगा, फर्स्ट लिस्ट 10 सितंबर को आएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो जैसा मैंने आपको पहले बताया सर्टिफिकेट कोर्स में दोस्तों ठीक इसी तरह से आपको कुछ डिटेल दी गई थी जिसके बारे में आपको मैंने बता दिया था। कोर्स फीस की बात की जाए तो दोस्तों जब आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी उसके 3 दिन के अंदर ही आपको अपने कोर्स की पेमेंट कर देनी है। इसमें भी दोस्तों जो आपकी क्लासेस ही है अक्टूबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि कोर्स के लिए यहां पर कितनी फ़ीस लगेगी। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो कोर्स की पेमेंट वो आपको लॉगिन पोर्टल से करनी है जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। जब दोस्तों आपको कॉलेज की तरफ से बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म साथ में लेके और मार्कशीट, इसके अलावा जिस कोर्स का आपने कोर्स करना चाहते हैं डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं उस कोर्स का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। एक बार दोस्तों किसी भी कोर्स का पेमेंट कर देने के बाद आपको उस कोर्स का जो फीस पेमेंट है वो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, इसलिए जब भी आप किसी भी कोर्स का पेमेंट करें तो वो ध्यान से करें। नीचे दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लास का डे और टाइम दिया गया है कि आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो कौन से दिन को चलेंगे और टाइम कितने बजे तक चलेंगी। मान लेते हैं दोस्तों आप स्पेनिश का कोर्स चूज़ करते हैं तो इसकी जो क्लासेस हैं ये ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को लगेंगी, जो टाइम दिया गया है सुबह 9 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक। ठीक इसी तरह से दोस्तों आप अदर कोर्सेज के भी डे और टाइम देख सकते हैं कि कौन सी क्लास कौन से दिन को और कितने बजे लगेगी। यहाँ पर दोस्तों नीचे संस्कृत का भी कोई शेड्यूल रिलीज नहीं किया गया, इसे भी जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप एडवांस डिप्लोमा का कोर्स देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे नीचे आपको एडवांस डिप्लोमा कोर्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी आपको कुछ लैंग्वेज के कोर्स बताए गए हैं जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जापानीज, संस्कृत, पर्शियन एंड मॉडर्न अरेबिक के बारे में यहाँ पे जो कोर्सेज हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसकी भी जो क्लासेस होंगे दोस्तों ये ऑनलाइन चलेंगी। यहाँ पर भी जो आपका रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 रुपये है। डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपके एक फ़ोटो सिग्नेचर चाहिए। अगर आप जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश में एडमिशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप चाइनीज़, जापानीज़, पर्शियन और उर्दू का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना। ये केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों के लिए है जो सेंट स्टेफन कॉलेज में पढ़ते हैं या किसी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका एडमिशन का कैलेंडर दिया गया है कि आपके जो एंट्रेंस टेस्ट होंगे वो कब होगा, फर्स्ट लिस्ट कब आएगी, सेकंड लिस्ट कब आएगी, थर्ड लिस्ट कब आएगी। ठीक इसी तरह से दोस्तों जैसा कि दोस्तों आपको मैंने पहले बताया कि जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा, जब भी आपकी फर्स्ट लिस्ट आएगी उसके 3 दिन तक ही आपको अपने जो फीस कोर्स का फीस होगा उसकी पेमेंट आपको कर देनी है। किसी भी इंक्वायरी के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको डे और टाइम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कोर्स ड्यूरेशन का बात किया जाए तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था अगर आप ये एक पार्ट टाइम कोर्स है, अगर आप इसमें एडमिशन लेते हैं तो जो रेगुलर कॉलेज वाले स्टूडेंट को फैसिलिटीज़ दी जाती है वो आपको नहीं दी जाएगी।
अगर दोस्तों आप कोई भी रूल तोड़ते हो तो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे कोर्स की फ़ीस बताई गई कि किस कोर्स के लिए आपको कितनी फ़ीस पेमेंट कर देनी है। आपको अपने कोर्स की जो पेमेंट है दोस्तों वो लॉगिन पोर्टल से ही करनी है, जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और जब आपको कॉलेज की तरफ से बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, मार्कशीट, इसके अलावा जो आपका डिप्लोमा, जिस कोर्स में आप अपना डिप्लोमा करना चाहते हैं एडवांस डिप्लोमा, उस कोर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। नीचे यहाँ पर दोस्तों आपको ऑनलाइन क्लासेस का डे और टाइम दिया गया है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो कौन से दिन को कितने बजे लगेंगी। संस्कृत कोर्स के लिए दोस्तों यहाँ पर अभी कोई शेड्यूल रिलीज़ नहीं किया गया है, उसके लिए जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा। दोस्तों ये वे कोर्स हैं जो सेंट स्टीफन कॉलेज में फॉरेन लैंग्वेज पर कराए जा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी कोर्स में दोस्तों इन्वॉल्व होने से पहले आपको उस कोर्स की पूरी डिटेल होनी चाहिए कि उसकी फ़ीस कितनी लगेगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी या नहीं चलेंगी, आपको उसका पूरा क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। ये वे अपडेट थी दोस्तों जो आपको देनी थी। आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।